वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल क्रिप्टो एक बज़वर्ड बना हुआ है, बट मेरा मानना है कि किसी भी टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए उसकी हिस्ट्री एंड ओरिजिन का जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्रिप्टो? इन सिंपल वर्ड, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है। इसका कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं हो सकता। बट अब आप मुझसे पूछेंगे कि अगर ये फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे? तो इसका आंसर है, हम इसको उन्हीं सर्विसेज में सिर्फ यूज़ कर सकते हैं जो इसे लेने के लिए अलाउ करती हैं और रेडी हैं। तो करेंसी को कैसे और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक में, जहाँ जानते हैं इसका ओरिजिन और हिस्ट्री। 1980s की बात है, नीदरलैंड में लोग रात में पेट्रोल पंप में चोरी की घटनाओं से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उनका मानना था कि सिक्योरिटी गार्ड रखने से भी उनकी ज़िंदगी को थ्रेट हो सकता है। इसीलिए ग्रुप ऑफ डेवलपर्स ने एक अटेम्प्ट किया जहाँ पे उन्होंने एक कार डिज़ाइन किया जो कि अकाउंट से लिंक था। इसमें जब भी ड्राइवर्स जो है वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने आते थे, उन्हें कैश का यूज़ नहीं करना पड़ता था और डायरेक्टली वो अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते थे। इसी को हम अपना पहला अटेम्प्ट मानते हैं क्रिप्टो करेंसी। सेम टाइम पे अल्बर्ट नाम के एक व्यापारी ने बैंक्स को पुश किया कि वो एक ऐसा सिस्टम रेडी करें जिससे डायरेक्टली बैंक अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो सके। इसे पॉइंट ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। बट इसके बाद में जो भी डेवलपमेंट्स हुए उनके लिंक्स जो हैं वो डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी से मिलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को आगे भी यूज़ किया गया मेजर डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट सामने आया उसका सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें एक अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर जिसका नाम डेविड शॉम था, उसने एक इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कैश खोजा जिसमें टोकन करेंसी का कॉन्सेप्ट सामने आया। इसमें काफ़ी सेफ्टी एंड प्राइवेसी के साथ में ट्रांसफ़र किया जा सकता था। शॉम ने ब्लाइंडेड फॉर्मूला डेवलप किया जिसमें इंफॉर्मेशन को पहले इंक्रिप्ट करके ट्रांसफ़र किया जाता था। 1998 में शॉम ने एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम डिजी कैश था और आगे जाके ये बैंकरप्ट हो गई। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स और जो इंक्रिप्शन टूल है उन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया आजकल की क्रिप्टो करेंसी के डेवलपमेंट में। 1990 में बहुत सी स्टार्टअप्स ने डिजी कैश के गोल्स को आगे बढ़ाने का ट्राई किया। उनमें से बहुत सारी स्टार्टअप्स जो हैं वो फेल भी हुई, बट उनमें से एक स्टार्टअप भी ऐसी भी है जिसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और वो आज भी काफ़ी फेमस है। इन्होंने हाइब्रिड डिजिटल मॉडल को अपनाया जिसमें इन्होंने एग्जिस्टिंग करेंसी को डिजिटली ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया और हैंडल करना स्टार्ट किया। इन्होंने खुद को ईबे कम्युनिटी से भी जोड़ा जिसके बाद इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। तो अगर आपको इस स्टार्टअप का नाम पता है जो आज भी एक बहुत ही फेमस पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं। आई विल रिस्पॉन्ड यू बैक अगर आपका आंसर करेक्ट हुआ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 1998 में वाइडाई नाम के एक डेवलपर ने एक एनोनिमस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्टार्ट किया जो काफ़ी बिटकॉइन से मिलता जुलता था, बट उसके प्रोटोकॉल्स जो थे वो बिटकॉइन से काफ़ी अलग थे। ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद वाइडाई ने एक वाइट पेपर भी प्रपोज किया जिसे भी उतना अटेंशन नहीं मिला। फिर निक सियाबो नाम के एक डिज़ाइनर ने बिटगोल्ड को डिज़ाइन किया। इसमें एक डेडिकेटेड कंप्यूटर पावर चाहिए होती थी और जो क्रिप्टोग्राफिक पजल्स को सॉल्व करती थी। इसका जो कनेक्शन है वो आज की मॉडर्न ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट से काफ़ी रिसेंबल करता है। अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन जो है वो पहली सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी है तो ऐसा नहीं है। उसके पहले भी एक क्रिप्टो करेंसी थी जो काफ़ी सक्सेसफुल हुई। उसने प्रूफ ऑफ वर्क के एल्गोरिथम को यूज़ करना स्टार्ट किया। प्रूफ ऑफ वर्क के एल्गोरिथम पर मैं डिफरेंट वीडियो में बात करूँगी। इस क्रिप्टो करेंसी का नाम हैश कैश था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम होती थी जो आगे जाके कंपनी के लिए ठीक साबित नहीं हुई। 1999 में floss.com करके एक कंपनी ने इसी कॉन्सेप्ट पे एक प्रोग्राम तैयार किया। ये बेसिकली एक लॉयलिटी प्रोग्राम था। इसमें फ्रिक्वेंट फ्लायर्स और जो उनके लॉयल कस्टमर्स थे उनको बोनस कार्ड दिए जाते थे। बेसिकली इस कंपनी ने $35 मिलियन रेज किया एंड ये काफ़ी पॉपुलर थी उस टाइम की कंपनी। इस चीज़ से बंद करना पड़ा बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई थी। उसके बाद 2009 में डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी की शुरुआत हुई जिसे हम बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। बिटकॉइन अपने पहले के अटेम्प्ट से काफ़ी मायनों में काफ़ी डिफरेंट था, लेकिन उसके पहले के अटेम्प्ट के बिना उसका क्रिएशन आई डोंट थिंक सो पॉसिबल होता। अगर आपको भी लगता है कि आप काफ़ी मेहनत करते हैं यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस, तो प्लीज़ हार मत मानिए। क्या पता आने वाले टाइम में आप कुछ अच्छा डेवलप कर लें।
मैं बिटकॉइन के बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें पूरा डिटेल डिस्कशन होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताएं अगर आप कोई नया टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।